प्रहार टीवी सत्यमेव व्रतम। वीर सावरकर के पौत्र रणजीत सावरकर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कराई। उन्होंने ये शिकायत राहुल गांधी के उस बयान को लेकर दर्ज कराई जिसमें उन्होंने सावरकर पर कई तरह के आरोप लगाए थे। रणजीत सावरकर ने मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। इसके अलावा बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर हमला किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी जी ने जो सावरकर पर बयानबाजी की है वो अशोभनीय है। राहुल गांधी को लगता है कि केवल गांधी परिवार ही इस देश के स्वतंत्रता सेनानी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश को तोड़ रहे हैं। उनकी मानसिकता भारत को जोड़ने की नहीं बल्कि उसे तोड़ने की है। उन्हें अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। क्या कहा राहुल गांधी ने? दरअसल गुरुवार 17 नवंबर 2022 को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के समय कहा कि वीर सावरकर ने आजादी की लड़ाई के समय जेल की सजा से छूट पाने के लिए अंग्रेजों को माफीनामा लिखकर दिया था। साथ ही वीर सावरकर ने अंग्रेजों से 60 रुपये पेंशन भी ली थी। राहुल गांधी के इसी बयान के बाद राज्य में राहुल गांधी के खिलाफ माहौल गर्मा गया और वीर सावरकर के पौत्र रणजीत सावरकर ने कहा कि राहुल गांधी के इस बयान से वीर सावरकर की बदनामी हुई है। राहुल गांधी का पूरा बयान उन्होंने एक डॉक्यूमेंट दिखाते हुए उसे सावरकर की चिट्ठी बताया और उसकी आखिरी लाइन पढ़कर सुनाई। कांग्रेस नेता ने अंग्रेजी में पढ़कर हिंदी में दोहराया, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। उन्होंने कहा, यह मैंने नहीं कहा, सावरकर जी ने लिखा है। इसे फडणवीस जी भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। विनायक दामोदर सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। कुछ देर बाद वही चिट्ठी लहराते हुए उन्होंने कहा कि जब सावरकर जी ने यह चिट्ठी साइन की, गांधी जी, नेहरू, पटेल जी सालों जेल में रहे थे, कोई चिट्ठी साइन नहीं की। मेरा कहना है कि सावरकर जी को यह चिट्ठी क्यों साइन करनी पड़ी? इसका कारण डर है। अगर वे डरते नहीं तो इस पर साइन नहीं करते। ऐसा कर उन्होंने गांधी, नेहरू, पटेल सबको धोखा दिया। ये दो अलग विचारधाराएं थी। ये देखिए, ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूँ। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूँ। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट VD सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूँ, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूँ। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है, तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। रश्मि पुराणिक, साम टीवी। यात्रा को रोकना चाहिए सावरकर के बारे में ऐसा बोला, तो वैसे गवर्नमेंट को इसने लेटर लिखा। किसने? सेवाड़े। सेवाड़े मतलब रोकने, यात्रा को रोकने के लिए। रोक दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोक दीजिए। देखिए, किसी का कोई विचार हो उसको रखना चाहिए, और अगर सरकार को लगे कि भारत जोड़ो यात्रा को रोक देना चाहिए तो रोकने की कोशिश कीजिए, करिए। गजानन नुमाटे, TV9। आपकी रैली देखिए, उसमें घोषणा ही चलती कि 2024 में प्रतिपक्ष का प्राइम मिनिस्टर पद का चेहरा राहुल गांधी है, क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि 2024 में आप है तो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट का पोजीशन में हो? मैं ये आप डिस्ट्रैक्ट करने का